हेल्दी फूड के बारे में। जी हाँ, कैसा होना चाहिए नवजात शिशु को सुरक्षित रखने के लिए उनका आहार। आपको बता दें कि माँ का दूध नवजात शिशु के लिए बेहद ही अच्छा माना जाता है। वहीं जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसे दूध के अलावा कुछ खिलाना भी होता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने बच्चे को कैसा खाना खिलाएं। आपको कुछ विशेष बातें याद रखनी चाहिए उनको खाना खिलाने से पहले। जी हाँ, इसकी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बच्चे की बढ़ती उम्र के साथ साथ कैसा होना चाहिए बच्चे का डाइट प्लान। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों के आहार को सही तरीके से चुनने के लिए। दरअसल ये ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है कि आपका बच्चा कौन सा फल खा रहा है कौन सा नहीं, ये सभी माँ के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में आपको हम बताने जा रहे हैं कुछ आहार चुनने के टिप्स कि कैसे आप अपने बच्चों के लिए सही आहार चुन सकते हैं। तो सबसे पहले दर्शकों हम बात करते हैं पोषक तत्वों की। जी हाँ, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका विकास होने लगता है और ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप पोषक तत्वों से भरपूर खाना जरूर खिलाएं। इसलिए बच्चे को शुरू से ही ऐसी चीजें खिलाएं जिसमें मौजूद हो ओमेगा 3, कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12। ऐसे पोषक तत्व शामिल होने से आपका बच्चा हेल्दी बना रहेगा। दरअसल इन तत्वों का बच्चे के मस्तिष्क और शुरुआती विकास होने में काफी मदद मिलती है। कैल्शियम से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं और विटामिन से बच्चों को तेज आंख और मस्तिष्क मिलता है। वहीं अब बात करते हैं फूड्स की। जी हाँ, बच्चों को यूं तो रंग बिरंगे खाने की बहुत सी चीजें पसंद होती हैं। ऐसे में ये चीजें नुकसान भी पहुंचाती हैं। बता दें आपको कि आर्टिफिशियल फूड्स कलर में कई खतरनाक केमिकल्स मिले होते हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आर्टिफिशियल फूड्स कलर्स के इस्तेमाल से बच्चों में ADHD जैसे संबंधी रोग हो सकते हैं। वहीं इसके अलावा बच्चे को एंजाइम से जुड़े कई और बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप बच्चे को चॉकलेट्स, कैंडी और कलरफुल ड्रिंक्स से दूर ही रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं बेबी फ्रूट्स की। जी हाँ, वैसे तो देखा जाए तो बच्चे सब्जियां और फल खाने में अक्सर कतराते हैं। वहीं आपको बता दें कि आप अपने बच्चे के लिए बेबी फ्रूट्स को चुनें और यही खाने को दें। ऐसे में शरीर में विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़ाता है और साथ ही साथ बच्चों को फ्रुक्टोज का सेवन ना करने दें। बता दें आपको कि बच्चों को धीरे धीरे फल और सब्जियों के स्वाद से हमेशा ही अवगत कराते रहना चाहिए जिससे कि वो नई नई चीजें खा सकें और हेल्दी बने रहें। इसके अलावा आप बच्चों के खाने में जूस को भी शामिल कर सकते हैं। रोजाना आप अपने बच्चों को अलग अलग फ्रूट्स के जूस पिला सकते हैं। वही बात की जाए उनके भोजन की तो भोजन को आप बहुत ही सिंपल तरीके से उनको दे सकते हैं, यानी कि घर में बनी हुई रोटी यानी अनाज की रोटी, खीर, दाल, दलिया और दूध, वहीं सूप भी आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप उनके खाने में सलाद भी शामिल करें। बच्चे अगर धीरे धीरे फल और सब्जियां खाना शुरू करेंगे तो वो हेल्दी ही बने रहेंगे। ऐसे में उनके जीवन में कभी भी खतरे नहीं आएंगे। तो दर्शकों, ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको अपने बच्चे की बढ़ती उम्र के साथ साथ ध्यान रखने होंगे। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए क्यूरेन हेल्थ रैक से प्रांशी की रिपोर्ट।